गुड मॉर्निंग बच्चों, ओके ऑल द सेंटर्स वन बाय वन देन। जूनागढ़, केमचे, ओके वापी, वापी विश्ड ऑल्सो फॉर दैट पर्पस। ओह वी हैव अ न्यू वन, कोल्हापुर, उसके बाद रतलाम, रतलाम की सेव, साड़ी और सोना याद है मुझे। औरंगाबाद, ओके उज्जैन, ओके मथुरा, उसके बाद किशनगढ़, किशनगढ़ किधर है रे? राजस्थान, ओके उसके बाद वडोदरा, ओह दैट्स अ न्यू वन, नाइस, बाय बाय बड़ोड़ा भाई भाई बोलते हैं, बाय बाय वैशाली नगर, आई एम फाइन, उसके बाद भिवंडी, आई एम फाइन भिवंडी, आज कैसे हो? एकदम मस्त। उसके बाद गोवा, ओह दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड दैट ऑल्सो गोवा, नाइस। मॉर्निंग मैन, ए गेट सम फेनी मैन, गेट सम फेनी, ओके देन ऑल द सेंटर्स, मॉर्निंग, सेटल डाउन, लेट अस बिगिन। ओके ध्यान दीजिए बच्चों, व्हाट वी हैव टू स्टार्ट ऑफ विथ इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिपीटिंग, व्हाट वी हैव टू स्टार्ट विथ इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके देन सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मली आएगा स्टूडेंट के दिमाग में दैट व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत सिंपल आंसर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। वापस बोलता हूं, अगर कोई आपको पूछे व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, योर आंसर शुड बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड दे आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बराबर, अभी तुमको और मेरे को दोनों को पता है, हम लोग बचपन से मतलब टेंथ के बाद से हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या बनाते हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट। अभी ये पीएनएल और बैलेंस शीट कैसे बनाने का, उसके लिए मुझे कोई तो रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपको कोई पूछे दैट व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, योर आंसर शुड बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इधर तक जो बोला ये समझा, ओके अभी हाँ, आई होप रियलाइज एज फार एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बच्चों चार चीजें, सिर्फ पीएनएल बैलेंस शीट नहीं होता, सुनना बराबर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कितनी चीजें, चार चीजें। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर आपका एफएम हुआ है तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, एंड चौथा नोट्स टू अकाउंट्स। रिपीटिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। सो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन फोर थिंग। तो ये चारों चीजें कैसे बनाने की, ये हमें बोलते हैं कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इधर तक ठीक है, ओके थोड़ा और आगे सुनना बराबर से। नाउ अभी डाउट आएगा कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इश्यू करता है। बच्चों तुमको और मेरे को दोनों को पता है, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इश्यू करता है, आईसी, करेक्ट, एआई। आई होप रियलाइज इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इश्यूड बाय आईसी एआई। करंटली हमारे इंस्टीट्यूट ने इश्यू किए हैं 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब बच्चों जो लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना उसका नंबर है AS 32। भले मैंने आपको बोला AS 32, ऑल द 32 आर नॉट एप्लीकेबल, इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 वो था
रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अभी विड्रॉ हो चुका है, क्योंकि अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कवर्ड है AS 26 में. तो आई होप रियलाइज, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 मैंने बोला टोटल है, पर इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 निकाल दिया है. तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 निकाल दिया है तो बोलो बच्चों कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हुए? 31. बराबर. तो भले लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर हो AS 32, पर एप्लीकेबल 32 नहीं है बच्चों, एप्लीकेबल इज 31. ये समझा? ओके. एक और चीज, एट योर लेवल दैट इज आईपीसीसी लेवल, एवरी 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल. अरे भोपाल, मैंने देखा बच्चा, तूने अभी लॉग इन किया तो अभी समझ. तो सुनो, तो मैं सब देखता हूं, बिग बॉस कल चालू हो रहा है, तुमने देखा आज है. सुनो, अभी मैं क्या बोल रहा था. अरे यार ये देख, मैं बोल सुनो रे, मैंने तुमको क्या बोला. हाँ हाँ, एट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट योर लेवल दैट इज नथिंग बट आईपीसीसी लेवल, हाँ, ऑल द 31 आर नॉट एप्लीकेबल. एट आईपीसीसी लेवल ओनली अकाउंटिंग 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल, आउट ऑफ विच 9 इज कवर्ड इन ग्रुप 1 अकाउंटेंसी एंड बैलेंस 9 इज कवर्ड इन ग्रुप 2 अकाउंटेंसी. अभी तुम लोग को डेफिनेटली तुम लोग का आईपीसीसी पोर्शन पता है. आईपीसीसी में 7 सब्जेक्ट है, उसमें से 2 अकाउंट्स है, एक है नॉर्मल अकाउंटेंसी, दूसरा है एडवांस्ड अकाउंटेंसी. तो 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटेंसी में और बाकी 9 एडवांस्ड अकाउंटेंसी में. ये समझा गया? हाँ. तो एट योर लेवल हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल? 18. एक और चीज, नाउ हैविंग टोल्ड यू एटलीस्ट द बेसिक्स, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू कौन करता है, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, कितने आईपीसीसी में एप्लीकेबल है, अभी तुमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. वेरी सिंपल बच्चों, सुनना बराबर से. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंपॉर्टेंस तीन चीज है, तीन. पहली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प्स यू टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रिपीट करो, क्या बोला? इट हेल्प्स टू ब्रिंग, करेक्ट, यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्मिटी? समानता. मतलब अल्टीमेटली तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर होंगे, सिमिलर. सी बच्चों, अगर तुमको कोई भी दो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करने हैं, क्या तुम अगर वो डिससिमिलर है तो कंपेयर कर सकते हो? नहीं. तो अगर तुमको दो चीजें कंपेयर करनी है बच्चों, तो सबसे पहले दो चीजें कंपेरेबल तो होनी चाहिए, पर कंपेरेबल बनाने के लिए दोनों समान बनाने पड़ेंगे, और दोनों को समान बनाने के लिए तुमको स्टैंडर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करेगा? इट विल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, एंड इट विल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दूसरा, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिफॉर्म हो गया, उसके बाद तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प्स इन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो दो इंपॉर्टेंस बोली मैंने, पहला, करेक्ट, इट हेल्प्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, एंड सेकेंड, बराबर, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बराबर, ये तो ठीक है. ओके, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सुनना बच्चों, अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आता है, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कोई बोलेगा ऐसे कैसे? बोलता हूं, एग्जांपल देता हूं, सुनना बराबर से. तुम पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना दोगे, तो ये पीएनएल एंड बैलेंस शीट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को. अभी शेयर होल्डर को समझ में भी तो आना चाहिए कि ये पीएनएल एंड बैलेंस शीट में ये ऐसा क्या लिखा है और ऐसा क्यों लिखा है. एग्जाम्पल देता हूं, सुनना. फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल, से मैं टाटा मोटर्स का शेयर होल्डर हूं, बराबर, एंड से मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आते,
मैं टाटा मोटर का शेयर होल्डर हूँ, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आता है। अभी एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों क्या होगा, टाटा मोटर्स शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट भेजेगी। ये एनुअल रिपोर्ट में पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। अभी मैं जो शेयर होल्डर हूं टाटा मोटर्स का, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आता है। अभी मैंने एनुअल रिपोर्ट खोला और मैंने बैलेंस शीट निकाली टाटा मोटर्स की, और मैंने टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में देखा दैट ऑन द एसेट साइड उनके क्लोजिंग स्टॉक में थी नैनो गाड़ी। बच्चों अगर तुम अंडरस्टैंड करो और अगर तुम अग्री करो, टाटा मोटर्स वो कंपनी है जिसने गाड़ी नैनो निकाली। अभी तीन चार साल पहले जब भी नैनो गाड़ी आई थी, कैन यू टेल मी उसका सेलिंग प्राइस कितना था बच्चों? 1 लाख। वो लोग बोल रहे थे ना 1 लाख की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ गाड़ी का सेलिंग प्राइस कितना था? 1 लाख। अभी बच्चों उतना कॉमन सेंस तो तुम में होगा, अगर सेलिंग प्राइस 1 लाख है तो कॉस्ट प्राइस 1 लाख से कम ही होगा, लॉस के लिए तो कोई बिजनेस नहीं करेगा। अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ द कार इज 80,000 रुपीज, कॉस्ट ऑफ द कार इज 80,000 रुपीज, देन व्हाट इज द प्रॉफिट एलिमेंट? 20,000 पर कार। इधर तक जो बोला ये ठीक है? ओके, तो सुनना बराबर से। अभी क्या होगा, मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट मिली। अभी मैंने देखा क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंस शीट डेट पर 31 मार्च को उधर दो नैनो गाड़ी है। सिंपल एग्जांपल लेने का बच्चों, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। दो नैनो गाड़ी है और वो दो नैनो गाड़ी के सामने अमाउंट लिखा है 1,60,000। मतलब एक गाड़ी का कितना? बराबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कॉस्ट कितना है? 80,000 बराबर। एंड कैन यू टेल मी सेलिंग प्राइस कितना है? 1 लाख। अभी कितनी नैनो गाड़ी है? 2 नैनो कार्स। बच्चों तुम जरा सोच के बोलना, एज पर AS2, तुमने सीपीटी में AS2 किया रहेगा, एज पर AS2 इन्वेंट्रीज किसमें वैल्यू होता है? आई होप रियलाइज इट इज नॉट ओनली कॉस्ट, इट इज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। अगर तुम मेरी मानो, ये उसका मार्केट वैल्यू है, NRV बोलते हैं उसको। सो दिस इज द मार्केट वैल्यू, सो इट इज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। बच्चों कैन यू टेल मी व्हाट इज लेस? 80,000। तो अगर दो नैनो गाड़ी है मल्टीप्लाइड बाय 80,000 कम्स टू 1.6 लाख। तो ये जो अमाउंट होगा वो किधर लिखा रहेगा? बैलेंस शीट में। मीनिंग समझा ना? अच्छा, अभी मैंने तुमको क्या बोला कि मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आता है। ये AS2 के हिसाब से, मैं तो शेयर होल्डर हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज नहीं है। तो शेयर होल्डर ने देखा दो नैनो गाड़ी 1,60,000 का, मतलब एक नैनो गाड़ी 80,000 का, वो चला गया टाटा मोटर्स के शोरूम में। टाटा मोटर्स के शोरूम में गया, टाटा मोटर्स वाले को बोला, देख भाई तेरे ही बुक्स में लिखा है दो नैनो गाड़ी 1,60,000 की, मतलब एक नैनो गाड़ी 80,000 की, ये ले 80,000 कैश, मुझे दे नैनो गाड़ी। मिलेगा उसको? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो कॉस्ट है, वो सेलिंग प्राइस नहीं है। तो बैलेंस शीट में जो लिखा है वो विच एवर इज लेस लिखा है। तो आई होप यू रियलाइज, वो तुमको और मुझे पता है क्योंकि हमको AS2 आता है, वो उसको नहीं पता क्योंकि उसको AS2 ही नहीं आता है। तो अगर मुझे AS2 आता होता तो मैं क्या सोचता? ओके, अगर नैनो वाले ने बोला है सेलिंग प्राइस 1 लाख था तो ये जो लिखा है वो कॉस्ट होगा, तो तुम ऐसे पागल के जैसे उधर शोरूम में जाके 80,000 में गाड़ी मांगते नहीं? पर वो तुम कभी नहीं मांगते जब भी तुमको AS2 आता है। तो अगर तुमको AS आता है तो तुमको जो लिखा है ना PNL एंड बैलेंस शीट में वो समझेगा। अगर तुमको AS2 नहीं आता है या कोई भी AS नहीं आता है तो क्या लिखा है कुछ समझने वाला नहीं है। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसके कितने इंपॉर्टेंस है बच्चों? 3। पहला, यूनिफॉर्मिटी। दूसरा, बराबर, कंपेरेबिलिटी। तीसरा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। परफेक्ट। इधर तक सबको समझा? ओके बच्चों, दो और चीजें। पहली,
ये तो मैंने तुमको बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है. अभी तुमको समझना पड़ेगा दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है. देखो बच्चों, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एग्जाम में वेटेज ऑफ मार्क्स इज ह्यूज. अगर मैं तुमको सिर्फ लास्ट छह अटेम्प्ट्स का मार्क्स बताऊं, सिर्फ लास्ट छह अटेम्प्ट्स का मतलब लास्ट तीन साल का, क्योंकि एक साल में दो अटेम्प्ट आती है, लास्ट तीन साल का एवरेज मार्क्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 55 to 60. अभी बच्चों 55 टू 60 मार्क्स एक स्टूडेंट कोशिश करता है एक सब्जेक्ट में लाने के लिए. इधर तुमको 55 टू 60 मार्क्स मिलता है एक चैप्टर पढ़ने के लिए. तो तुम अपने हिसाब से ही ऐसे बैलेंस करके देखो कि व्हाई इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, एक और चीज, ये जो मैंने तुमको 60 मार्क्स बोला एवरेज मार्क्स, उसमें से 40 मार्क्स तो कंपलसरी पूछते हैं ये लोग. मतलब भोपाल, लास्ट तीन अटेम्प्ट का दो अकाउंट्स का पेपर ले लो, अकाउंट्स वन अकाउंट्स टू, दोनों का मार्क्स मिला के मुझे बोलना कितने मार्क्स है. लास्ट अटेम्प्ट जो गया उसमें अल्टीमेटली दे आस्क फॉर 56 मार्क्स. 56, इमेजिन करो, मैं दोनों अकाउंट्स का मिला के बोल रहा हूं, नॉट ओनली सिंगल, पर है तो एंटायर सब्जेक्ट ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हाँ, अभी अल्टीमेटली ये जो मैंने तुमको 55 टू 60 बोला उसमें 40 मार्क कंपलसरी पूछते हैं. मतलब तुम लोग का अकाउंट्स का पेपर कैसे सेट होता है, ऐसे सेट होता है. क्वेश्चन नंबर वन इज कंपलसरी, आंसर एनी फाइव फ्रॉम द रिमेनिंग सिक्स. मतलब पहला क्वेश्चन कंपलसरी, उसके बाद कोई भी पांच फ्रॉम द रिमेनिंग सिक्स. वो जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी पूछते हैं वो नॉर्मली होता है 20 मार्क्स के लिए, और वो 20 मार्क्स होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन. तो 20 मार्क्स ग्रुप वन का अकाउंट्स, 20 मार्क्स ग्रुप टू का अकाउंट्स, दोनों का मिला के 40 कंपलसरी, और बाकी का 15 से 20 मार्क ऑप्शनल. तो बच्चों तुम अपने हिसाब से ही यू आर बिग इनफ नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर आपको चाहिए यू लव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आपको चाहिए यू हेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पर Only don't ignore accounting standards, else you will ignore a lot of things. So, अभी मैंने तुमको बताया why is accounting standards important from exam point of view. Second चीज जो बाकी थी वो ये है, भोपाल is below everything, that is more dangerous. अभी सुनो, अभी मैंने बोला that accounting standards why it is necessary from exam point of view. Now you should understand accounting standards deals with which issues. Sunna barabar se. Accounting standards basically deals with five issues. Five. Pehle bolta hu, likhta hu, samjhata hu, fir understand karna tum. Pehla. Accounting standards deals with something known as recognition. Kya bola? Recognition. Barabar. Secondly, it deals with something known as measurement. उसके बाद इट डील्स विथ समथिंग नोन एज प्रेजेंटेशन. उसके बाद इट डील्स विथ समथिंग विच इज नोन एज ट्रीटमेंट. एंड उसके बाद इट डील्स विथ समथिंग नोन एज डिस्क्लोजर. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विथ हाउ मेनी इश्यूज बच्चों? फाइव. पहला रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर. वन बाय वन समझाता हूं, तुम लिखो मत, मैं लिखवाऊंगा सब लिखाऊंगा, पहले समझ जाओ. कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं कि लिख रहे हैं जो मैं लिख रहा हूं, आराम से. ये सब ठीक है तुमने लिखा, पर ऐसा अगर फुल फ्लेज्ड आंसर जैसा कुछ आया वो मैं लिखाता ही हूं. सुनो, अभी पांच इश्यूज है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, ट्रीटमेंट, डिस्क्लोजर. वन बाय वन समझाता हूं. पहला रिकॉग्निशन, उसका मतलब समझो. जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी रिकॉर्ड करने का वो होता है रिकॉग्निशन. तो व्हाट डू मीन बाय रिकॉग्निशन? व्हेन टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन. क्या बोला? व्हेन टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन. ये ठीक है? ओके, आगे सेकंड देखो. सेकंड क्या है? मेजरमेंट, उसका मतलब क्या? जब भी एक ट्रांजैक्शन होगा
तो वो ट्रांजैक्शन कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. जैसे कि इधर हम लोग ने अमाउंट फाइंड किया बच्चों, इट शुड बी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो ये उसका मेजरमेंट हो गया. तो जब भी एक ट्रांजैक्शन होगा कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करने का, वो होता है मेजरमेंट. ओके. थर्ड, प्रेजेंटेशन. मतलब जब भी एक ट्रांजैक्शन होगा उसको किधर प्रेजेंट करने का, या तो पीएनएल में या तो बैलेंस शीट में. पीएनएल रेवेन्यू, बैलेंस शीट कैपिटल. तो कैपिटल होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, रेवेन्यू होगा तो पीएनएल में जाएगा. उसके बाद ट्रीटमेंट. मतलब क्या, जब भी एक ट्रांजैक्शन होगा उसका क्या जर्नल एंट्री पास करने का, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट. एग्जाम्पल से क्रेडिट सेल्स हुआ. अभी अगर क्रेडिट सेल्स होएगा तो एंट्री क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये उसका ट्रीटमेंट होता है. परचेजेस होएगा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये उसका ट्रीटमेंट होता है. मीनिंग समझा तुमको. उसके बाद देयर इज समथिंग नोन एज डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर मतलब क्या, अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको कैसे डिस्क्लोज करने का और कहां डिस्क्लोज करने का. मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करने का या बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज करने का. एग्जांपल कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे आता है और अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होता है, तो वो होता है डिस्क्लोजर. सो हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर, फाइव. पहला रिकॉग्निशन, मतलब व्हेन टू रिकॉर्ड. मेजरमेंट, एट व्हाट अमाउंट टू रिकॉर्ड. प्रेजेंटेशन, वेयर टू रिकॉर्ड, ये वेन था ये वेयर है, पीएनएल और बैलेंस शीट. ट्रीटमेंट, व्हाट जर्नल एंट्री. एंड डिस्क्लोजर, वेयर टू डिस्क्लोज, बिलो द बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स. इज दिस मच क्लियर, समझा. ओके, तो इतना पहले लिखते हैं फिर आगे चलते हैं. तो लिखो, ये एक बारी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में बच्चों फॉर 5 मार्क्स, ये वाला इश्यूज वाला. ठीक है, लिखते हैं. राइट डाउन, हेडिंग दे दो बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मैडम क्वेश्चन वन, सिर्फ क्वेश्चन लिखोगे तो भी चलेगा, नंबरिंग मत दो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो. मैडम अकाउंट क्वेश्चन बोलता हूं वापस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अभी डील्स विथ विच इश्यूज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विथ विच इश्यूज. हाँ भोपाल, ये लिखना है, मैं लिखवाई तो रहा हूं और क्या कर रहा हूं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विथ विच इश्यूज. आंसर लिखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विथ द फॉलोइंग 5 इश्यूज. Deals with the following 5 issues. Next line, point number 1. बच्चों रेड पेन होगा तो रेड पेन से लिखो ना.
थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, हेडिंग रेड पेन से देने का अगर है तो, साथ में रखने का हमेशा है तो लिखो पॉइंट नंबर वन रेड पेन से, रिकॉग्निशन अभी, और रिकॉग्निशन को अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो नॉर्मल पेन से लिखना। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स recognition of transactions and events in the financial statements वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ब्रैकेट्स में एफएस लिख दो बच्चों। सो अभी से जब भी हम लोग एफएस लिखेंगे बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फुल स्टॉप बराबर लीव अ लाइन। पॉइंट नंबर टू रेड पेन से लिखो मेजरमेंट। मेजरमेंट को अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द एफएस। फुल स्टॉप लीव अ लाइन। पॉइंट नंबर थ्री ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखो, स्टेटमेंट सेम ही रहेगा बच्चों, सिर्फ वर्ड चेंज होगा। राइट डाउन ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द एफएस। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द एफएस। फुल स्टॉप लीव अ लाइन। पॉइंट नंबर फोर रेड पेन से लिखो प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखो प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स in the FS in a manner, continue कीजिए बच्चों, in a manner that is meaningful, in a manner that is meaningful and understandable
to the reader in a manner that is meaningful and understandable to the reader. बच्चों reader मतलब reader of what? बराबर financial statements सही है. Full stop. And the last one, point number 5. सब सही है. Red pen से लिखो disclosure. डिस्क्लोजर को अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स विच शुड बी देयर टू एनेबल विच शुड बी देयर टू एनेबल the public at large to enable the public at large and the stakeholders bachcho who are stakeholders write down and the stakeholders barabar people who have interest in the organization ekdam barabar and the stakeholders and the potential investors in particular to get an insight into what to get an insight into what these FS are trying into what these FS are trying to reflect and thereby facilitating them potential investors in particular to get an insight into what these FS are trying to reflect and thereby facilitating them to take prudent मतलब rational बराबर prudent and informed business decisions फुल स्टॉप बच्चों वो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट पढ़ो समझा सबको शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम
ओके आगे चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक्स में आओ यस भोपाल एग्जाम में भी ऐसे ही पॉइंट वाइज आंसर देने का करेक्ट आई विल मेक यू राइट द आंसर इन सच अ वे दैट द सेम टाइप ऑफ आंसर यू हैव टू राइट इन द एग्जाम दैट इज एज पर इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स ओनली क्योंकि मार्क्स वही देने वाले बच्चों ओके प्रॉब्लम्स वन एएस वन की थियरी में आई है टेक्स्ट बुक्स में पेज नंबर वन एएस वन एंड आई वॉन्ट यू टू रीड द फर्स्ट थ्री पॉइंट्स पहले तीन पॉइंट पढ़ो मैं समझाता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसा ही होगा बच्चों मैं तुमको पहले कुछ पढ़ने के लिए बोलूंगा फिर मैं उस पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी सो पढ़ना बराबर से फिर मैं समझाता हूं फर्स्ट थ्री पॉइंट्स प्लीज ओके बच्चों पढ़ा सबने वापी अभी भी पढ़ रहे